नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए एक और हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन देखेंगे। तो चलिए 2015 में यह पूछा गया है, तो समझना है आपको, वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत तो बहुमूल्य हैं। तो फ्रेंड्स देखें, इसमें भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है, अर्थात सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो एज लगा देते, आई होता तो एम लगा देते, बहुवचन होता तो आर। अगर पास्ट में होता सिंपल यह है तो सिंगुलर के साथ वॉच तथा आई के साथ वॉच, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ बार। तो देखिए ब्रच, सबसे पहले इसी के लिखेंगे द ट्रीज, क्या बहुमूल्य है, तो आपको उत्तर मिलेगा ब्रच। तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको वर्ब चाहिए तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर। द ट्रीज आर क्या है, बहुत बहुमूल्य। आप चाहें तो लिख सकते हैं वेरी इनवैल्यूएबल या वेरी प्राइसलेस। वेरी प्राइसलेस, प्राइसलेस माने होता है बहुमूल्य या प्रीसियस। उसके बाद के लिए, तो फॉर के लिए क्या आप लिख देंगे, फॉर किसके लिए, हमारे जीवन। तो पजेसिव एडजेक्टिव यहां हो जाएगा अवर, हमारे की, और जीवन के लिए हो जाएगा लाइफ। तो पहला सेंटेंस आराम से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, द ट्रीज आर वेरी प्राइसलेस या प्रीसियस या इनवैल्यूएबल फॉर अवर लाइफ। अगला सेंटेंस आपको ध्यान से समझना है, वे हमें फल फूल तथा विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। कौन करते हैं, वे। तो ब्रच आपका बहुवचन है तो यहाँ प्रोनाउन हो जाएगा आपका दे। अब देखें प्रदान करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रदान करने के लिए होती है प्रोवाइड। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे देर प्रोवाइड। किसे करते हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा हमें, जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ लिख देंगे अस। दे प्रोवाइड अस, वे हमें उपलब्ध कराते हैं। क्या उपलब्ध कराते हैं, तो तथा से पहले आपको देखने को यहाँ मिल रहा है फल फूल। तो फल के लिए आप लिखेंगे पहले फ्रूट्स, फल के लिए लिखेंगे फ्रूट्स यानी कि फल है कॉमा, और फूलों के लिए आप लिखेंगे फ्लावर्स, फ्लावर्स। अब आगे दिया है आपको तथा, तथा के लिए आप एंड और एवं, इनके लिए एंड का प्रयोग करते हैं। विश्राम के लिए छाया, तो छाया की लिखेंगे आप शैडो, शैडो किसके लिए, विश्राम के लिए अर्थात आराम करने के लिए, तो आप लिख देंगे टू टेक रेस्ट। पूरा सेंटेंस हो जाएगा दे प्रोवाइड, वे उपलब्ध कराते हैं या प्रदान कराते हैं अस हम लोगों को फ्रूट्स यानी कि फलें, फ्लावर्स फूलें, एंड और शैडो छाव टू टेक रेस्ट आराम करने के लिए। अगला सेंटेंस देखिए, अगले सेंटेंस में आपको दिया है ब्रच हमें ऑक्सीजन देते हैं, ब्रच हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो सेंटेंस आपको सही से समझना है तो ब्रच के लिए फिर से यहां लिख देंगे आप द ट्रीज, द ट्रीज क्या देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो देने का बहुवचन के साथ आप लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म गिव, दे गिव किसे देते हैं हम लोगों को, तो अस। क्या देते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीजन, तो आप यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीजन ओ एक्स वाई, आप चाहें तो जीई एन लिख सकते हैं या जेड एन, तो ऑक्सीजन जीई एन सही रहेगा। जो, जो के लिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन बनाएंगे तो निर्जीव के लिए हम बिच का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आप लिख देंगे बिच। जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है के लिए आप यहां लिख देंगे कोई एक्शन नहीं है, तो एज, विच इज, जो है, क्या है, सर्वाधिक आवश्यक, सर्वाधिक आवश्यक, तो सर्वाधिक की सबसे पहले लिखेंगे आप द मोस्ट, और आवश्यक के लिए लिखेंगे एसेंशियल, एसेंशियल, एसेंशियल माने होता है आवश्यक, तो विच इज द मोस्ट एसेंशियल, जो आवश्यक है किसके लिए, फॉर के लिए आप लिख देंगे फॉर हमारे जीवन, तो अवर लाइफ, अवर लाइफ। पूरा सेंटेंस हो जाएगा द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देती हैं, विच इज द मोस्ट एसेंशियल, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है फॉर अवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या दिया है आपको, कि वृक्ष वर्षा कराते हैं, अर्थात वृक्ष ही वर्षा का कारण है, तो आप लिखेंगे द ट्रीज, द ट्रीज कराते हैं अर्थात कॉज टू रेन, या आप मेक से भी इसका बना सकते थे कि द ट्रीज मेक, द ट्रीज मेक द रेन, लेकिन यही सही है, यह सही रहेगा।
और के लिए आप लिख देंगे एंड। भूमि क्षरण भी रोकते हैं, रोकने के लिए यहां स्टॉप नहीं लगाना है फ्रेंड्स, बल्कि प्रिवेंट, प्रिवेंट, प्रिवेंट माने होता है रोकना, प्रिवेंट किसे, भूमि क्षरण, तो प्रिवेंट टू द, प्रिवेंट टू द भूमि क्षरण, भूमि क्षरण, तो भूमि के लिए आप जानते हैं मिट्टी कटाव होता है, तो सोइल इरोशन, सोइल इरोशन। तो ये सेंटेंस होएगा ट्री, द ट्रीज कॉज टू रेन, यानी कि पेड़ वर्षा का कारण है या वर्षा कराते हैं, एंड और प्रिवेंट टू, और रोकते हैं सॉइल इरोशन यानी कि भूमि क्षरण को, अर्थात मिट्टी के कटाव को। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएं।